हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ स्टाइल में। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त हूँ। तो तुम्हारा भाई कल यहाँ पे आ गया था, और ये भाई साहब का रूम है, तो ये भाई तैयारी कर रहे हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो ये तैयारी कर रहे, कहाँ की तैयारी कर रहे, भूल गए? इलेक्ट्रीशियन से। तो इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट लाइफ है। तो हम कल भाई की स्टूडेंट लाइफ देखी, जो स्ट्रगल होता है, और मैं यहाँ पे लिखा हुआ था ये मेरा सामान है। तो भाई के रूम से ज़्यादा दूर नहीं है वाटरफॉल, और ये भाई साहब को डर लग रहा पानी से। ओ यार, पहाड़ के बंदे इतना बोलेंगे तो कैसे चलेगा यार काम। देखो अभी हम फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं नहाने के लिए। आपको इस बार फिर से दिखा देते हैं, बाकी मैंने वीडियो डाल दी है कहाँ पर है वाटरफॉल, जाओ जाकर देख लेना। चलो फिर चलते हैं, वाटरफॉल आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो यार ये जो गांव है ना, ये ढोकनी विलेज के नाम से है, और ये ढोकनी वाटरफॉल भी है। तो सामने ही है, यहाँ से देख रहे हो जो हरा वाला बोर्ड लगा है, और ये पहाड़ों का वादियाँ देखो। सुबह के बज रहे हैं 11, तो हम धूप का वेट कर रहे थे ताकि धूप आ जाए, ठंडी ना लगे। तो ये देखो, कल हमारे जैसे ही हम यहाँ पर आए तो रोड भी बन गई। तो क्या बोलोगे हम? तो देख लो भाई, मैं जैसे ही आया यहाँ पे रोड का काम चालू हो गया, तो गांव वालों के लिए एक लकी मौका बंदा मिल गया। यहाँ पे ही रोड बनने लगी, तो इससे पहले रोड एकदम खटारा थी, जैसे ये धूल लगकर ना बहुत उड़ती थी। तो ये कल रोड बनी है, और यहाँ पे मैगी वगैरह की दुकान मिल जाती है, तो मैगी खा सकते हो। तो भाई ये देखो, ये ढोकने वाटरफॉल है, और रोड से ही आपको दिख जाता है। तो ये देख लो रोड कितनी दूर है, वाटरफॉल कितना दूर है। ये सामने नीचे वाटरफॉल है, दिखाई दे रहा कुछ नहीं? दिखाई दे रहा, नीचे जाके दिखाता हूँ। तो ये एक शॉर्टकट रास्ता, हम इधर से जा रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, गाड़ी पार्क करने के लिए नीचे जगह है। तो ये ऐसी रोड है, तो बहुत जगह है आपको गाड़ी पार्क करने के लिए मिल जाती है, और हम इस तरह से जा रहे हैं शॉर्टकट लेके, हम पैदल जा रहे हैं। स्टेशन है, गाड़ी यहाँ तक आप ला सकते हो और पार्क वगैरह कर सकते हो। तो देख लो कितनी सारी जगह है, और इधर से भी रास्ता जाता है, इधर से भी जाता है। तो अपन इधर से जा रहे हैं मैगी वाली दुकान, वाओ। और अगर चार लड़के लेके आ रहे हो तो भाई यहाँ पे मैच भी खेल सकते हो ना। तो ये देखो भाई, यहाँ पे मैच होता रहता है, नदी के किनारे प्यास लगी तो कुत्ते तरीके जीभ लगा के पानी पी लेना, बड़ा हरामी हो। और इधर मैच भी खेल लेना। तो इधर गाड़ी पार्क करने के लिए जगह बता ही दिया है, तो मैं इधर से चल रहा हूँ। मैगी की दुकान है, अगर आ रहे हो तो गांव वालों का थोड़ा सा भला भी कर देना, यहाँ पे मैगी खा लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी इधर से रास्ता है, तो हम इधर ले चल रहे हैं आपको। तो गाइस ये है वाटरफॉल, ढोकनी वाटरफॉल। और जब मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाते हो तो ये आपको सामने देखने को मिल जाता है। तो रोड के पास है, तो आप अच्छे से घूम सकते हो। और ये देखो, ये वाटरफॉल है, पूरा नेचर से भरा हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है ना। चारों तरफ जंगलों से के बीच में है, शूट करने आते हैं, गाने की शूटिंग वगैरह भी करते हैं। तो आपको यहाँ, तो यहाँ पे आप अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हो, नहा सकते हो। और ये सीक्रेट वाटरफॉल है, ये जिनको पता वही लोग आते हैं। तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जब जाते हो तब आपको ये दिख जाता है रोड पे। तो कैसा लगा वाटरफॉल आप कमेंट करके बताना, बाकी हम इस पे नहाने जा रहे हैं। हर हर महादेव, महादेव की नगरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो भाई नहाओगे अब? भाई की हालत ख़राब हो रही, देख लो ये पहाड़ी बंदा है भाई, कैसे यार बंदे हो। ये देखो ये शूट करने के लिए आए हैं। तो भाई लोग कहाँ से आए हो आप? बरेली से। भाई कल बरेली का ही ग्रुप मिला था मुझे, तो ये देखो एक और भाई मिल गए बरेली से। तो चलो ठीक है भाई, शूट करो हमको। भाई वाटरफॉल के साथ यहाँ पे आपको ना रेस्टोरेंट मिल जाता, तो अपना यहाँ पे मैगी खा सकते हो, पहाड़ों वाली मैगी। और सामने इधर वाटरफॉल है, पेड़ की वजह से हाइड हो गया। बाकी देखो लोग नहा भी रहे, तो इधर से भी हैं। तो ये देख रहे हो खूबसूरत नज़ारा, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊँ शहर का। उत्तराखंड दो भागों में बटा है, कुमाऊँ और गढ़वाल। तो मैं हूँ अभी कुमाऊँ में, ये आपको बताना भूल गया था, तो ये अभी बता रहा हूँ फिलहाल। पानी देखो कितना ठंडा और साफ़ पानी है, यहीं से आप 200 मीटर दूर खड़े होकर देखोगे ना, तब भी नीचे का आपका साफ दिखाई देगा। तो देख सकते हो आप नज़ारा यहाँ का, और ये नेचुरल के बिटी हरियाली।
वो बजने वाले हैं और मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, भाई के यहाँ हूँ, खाना खा के फिर निकलता हूँ। तो भाई ने बनाया है दाल चावल, ये है रोटी। तो पहले मैगी का प्लान था, मैंने कहा क्या मैगी में पेट नहीं भरता, तो फिर हमने रोटी दाल चावल ये बनाया। तो गर्मा गर्म दाल चावल खाने जा रहे रोटी। देखो भाई यहाँ पे ना अंकल ने खेत फार्मिंग कर रखी है, खेती, आड़ू के पेड़, पालम के पेड़ और काय के पेड़ लगाए अंकल, कुआनी कोलम और कश्मीरी गोला नाशपाती, देख लो इतने सारे पेड़ लगाए हैं, देख लो। और ये नदी भी है ना कोई, तो ये बरसात वाली नदी है, तो जब पानी आता तो अंकल यहाँ भी आता, ऊपर भी आता होगा, ऊपर भी आता होगा नहीं आता। अच्छा, तो जब पानी आता है तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। और हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो आज जाना था पर नहीं जा पाए, तो आज रात यहीं पे रुकेंगे फिर, और दिखाते हैं आपको यहाँ की कुछ यूनिक दिखाते हैं। ये अंकल जी की दुकान है जहाँ पे इन्होंने मुझे प्यार ढेर सारा दिया, और आज अंकल ने दुकान बंद कर रखी क्योंकि देख रहे हो ये हाल है, सन्नाटा पहाड़ों में, ऐसा लग रहा है हम तीन चार बंदे ही दिख रहे हैं और कोई है ही नहीं, है ना। तो यार शाम को अभी मैंने मैगी बनाई थी, उसमें नमक ज़्यादा हो गया था यार, आज पहली बार ऐसे हुआ कि मतलब नमक ही नमक, साला टेस्ट ही नहीं आया। फिर भाई लोगों ने साथ दिया और चाय के साथ में उसको मैंने खाया। तो आज मैं आपको ना कुमाऊँ की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ा सा बताऊँगा। तो चलो हमारे साथ भाई हैं, ये क्या, तो भाई क्या नाम है, तनुज भाई का नाम है जो कि सुबह मिला था, देख लो ये बंदा है, इसको ठंडी लगती है पानी से तो होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे यहाँ मम्मी पापा भाई को बड़े भैया बोलते हैं, तो यहाँ पे मतलब कुछ अलग अलग बोलते हैं या एक ही होता है? हाँ, कुमाऊँ में तो अलग अलग ही बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि मम्मी को ईजा, मम्मी को ईजा बोलते हैं, देख लो, और पापा को बाबू, पापा को बाबू सोना, बाबू सोना ऐसे बोलते हैं। और क्या कहते हैं, बड़े भाई जो होते हैं उसको दादा बोलते हैं, बड़े भाई को दादा बोलते हैं ना। हाँ, दादा। और सिस्टर को, सिस्टर को बहन। अच्छा, बहन। हाँ, बहन, बहन। जैसे हमारे सिस्टर को बहन बोलते हैं तो यहाँ पे भेड़ बोलते, सॉरी बेड़ी, बेड़ी बोलते हैं, बेड़ी मत बोलियो। और जैसे बुआ के दादा के लड़के वगैरह को क्या बोलेंगे? वही है फूफा जी लोग। अच्छा, फूफा और बुआ। उनके लड़के को, उनके लड़के को वही हुआ क्या कहते हैं, बड़ा भाई वही दादा लोग। तो ये थी। और जैसे हालचाल पूछना हो तो जैसे हेलो भाई कैसे हो, तो अब आपका कुमाऊँ में बोल के बताओ। हम उसको बोलेंगे हेलो दगड़ियो कच्छा तुम करके, ये गाली दे रहा भाई, मारो इसको। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ कि कैश छा तुम करके। अब मेरी लैंग्वेज है कैश छा, कोश्चा, वही कोश्चा, और भोले छा, कोश्चा भोले छा, बढ़िया हूँ मैं, भोले छा मतलब बढ़िया हूँ, कोश्चा मतलब कैसा है। हाँ, तो ये था। तो भाई यहाँ पे जो नानी नाना होते हैं उनको क्या बोलते हैं पूछते हैं, तो नानी नाना को क्या बोलते हैं? नानी हो गई हमारी आमा, आमा, और जो नाना जो है हमारे वो हो गए हमारे बुबू। समझ रहे हो बुबू? भाई लड़की को मत बोलना वरना फेलेगी बहुत। शाबाश, फेल देगी अच्छे से। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ये थी लैंग्वेज, कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और एक प्यारा कमेंट जरूर देना। और मौसम देखो कितना शांत और अच्छा है, ठंडा मौसम है, तो हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है जिसका एंजॉय कर रहे हैं। और ये भाई आपका ना तेज पत्ता वाला पेड़ है, देख लो। तो यार ये जंगल जो देख रहे हो दिन में तो बहुत अच्छा लगता है, रात में उतना खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घूम रहे हैं आदमखोर जानवर। और इसी गांव में भी है, आज उत्तराखंड में पूरे जंगलों में इस जंगली जानवरों का खतरा बढ़ चुका है इस टाइम, क्योंकि अभी शाम का टाइम मौसम ठंडा हो जाता है, तो शेर चीता वगैरह यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो अब इस जंगल में ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक और एडवेंचर है भाई, आगे जो ट्रैवल करेगा तो जंगल में ही जाएगा और वो भी खतरों से खेलूंगा। तो
बने रहो यूट्यूब पे और वीडियो देखते रहो, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहो, सभी भाइयों तक और अपने फैमिली में शेयर करते रहो, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको यूनिक कल्चर और लाइफ स्टाइल ऑफ उत्तराखंड पहाड़ी व्लॉग, पहाड़ की लाइफ स्टाइल कैसी होती सारा कुछ दिखाऊंगा। तो यूट्यूब में एंजॉय करो और घर बैठे हो आप लोग तो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि मैं किसी से हाथ, मुझे किसी के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े। हर हर महादेव। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।